माई चैनल व्यूअर्स, आज हम आपको एक झादर वाली जैकेट बनाना सिखाएंगे जो कि हम एक 9 साल की बच्ची के लिए बनाएंगे। तो व्यूअर्स, हमारी ये जैकेट समझने के लिए आप प्लीज़ हमारी वीडियो स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले हम अपने जैकेट के साइज़ को अखबार पे कट करेंगे, उसके बाद हम कपड़े पे कटिंग करेंगे। ये अखबार को हमने इस तरीके से टर्न किया है, ये ओपन साइड है, ये बंद साइड है। इस तरह से ये हमारे पास डबल पीस है। एक साइड को हम बैक साइड बनाएंगे और ये हमारे पास डबल पीस है, ये इसको हम फ्रंट साइड बनाएंगे। तो व्यूअर्स, हमारे जैकेट की चौड़ाई है 18 इंच, तो हम यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इसी तरह से हमारी जैकेट की लंबाई है 20 इंच, तो हम यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब हम यहाँ से तीरे का साइज लेके कटिंग करेंगे। तो हमारा तीरा है 14 इंच, तो हम यहाँ से 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और हमारा आर्म होल है 7 इंच, तो हम यहाँ पे 7 इंच तक निशान लगाएंगे। और हम यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे और यहाँ से गोल शेप देंगे आर्म होल के लिए। और हमारी कमर है 17 इंच, तो हम यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और यहाँ से हम इस तरह से शेप बनाएंगे और यहाँ से हम हल्का सा इस तरह से स्केल की मदद से शेप देते हुए इस तरह से इसको कट करेंगे। तो अब हम यहाँ से कटिंग करेंगे। यहाँ से हमारी फिटिंग है 20 इंच, तो हमने यहाँ 10 पे निशान लगाया है। और इसी तरह से हमारा यहाँ से आर्म होल है 7.5 इंच, तो हमने यहाँ पे 7.5 तक हमारा ये आर्म होल है, तो यहाँ से हम 1/2 इंच शोल्डर की कटिंग करेंगे। तो व्यूअर्स, ये हमारा बैक पार्ट है, तो इसको हम अलग करेंगे। और यहाँ बैक पार्ट को इधर यहाँ नीचे से हम यहाँ से इस तरह से गोल शेप देंगे और इस तरह से इसको कट करेंगे। ये बैक पार्ट को हमने इस तरह से गोल शेप दी है, इसी तरह से हम फ्रंट पार्ट को भी गोल शेप देंगे। ये हमारी फ्रंट साइड है, तो इसको यहाँ से भी हम गोल शेप देंगे। और यहाँ फ्रंट से भी हम इसको गोल शेप देंगे। ये हमारा फ्रंट साइड है, तो यहाँ हम 1/2 इंच के करीब आर्म होल को मज़ीद कट करेंगे। अब हम यहाँ गले का साइज लेंगे और फ्रंट साइड के गले को कट करेंगे। तो जो हमारे गले का साइज है 6 इंच, तो हम यहाँ पे 3 इंच पे कट करेंगे। और यहाँ से हम गले की लेंथ 6 इंच लेंगे, तो यहाँ पे हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे और वी शेप में गले को कट करेंगे। तो फ्रंट साइड का हम वी शेप में गले को कट करेंगे। और इसी तरह हम ये सेंटर से इस तरह से दोनों साइडों को अलग कर देंगे। तो हम यहाँ सेंटर से कटिंग करेंगे। तो अब हम बैक नेक लाइन को कट करेंगे, तो यहाँ भी हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको हम 1 इंच के करीब हल्का गोल शेप देके तो इसको यहाँ से यहाँ तक कट करेंगे। तो
फ्रेंड्स, अब हमने फ्रंट साइड को भी गोल शेप दे दी है। इसी तरह से हमने बैक गले को भी कट कर लिया है और बैक साइड को हमने यहाँ से गोल भी कर लिया है। अब हम इसको फ्यूजिंग पे कट करेंगे और उसके बाद कपड़े पे कटिंग करेंगे। फिर अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे, तो स्लीव के लिए हमारी लेंथ है 18 इंच, तो हमने यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। इसी तरह से यहाँ से हमारी कलाई की फिटिंग है 4 इंच, तो हमने यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, ये 5 इंच है। तो इसी तरह अब हम यहाँ से स्लीव की शेप बनाएंगे, जिस तरह से आमतौर पर जैकेट की स्लीव की बनाई जाती है। तो इस तरह से हम इसकी शेप बना के यहाँ से कट करेंगे। यहाँ से हम 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन लेंगे, बाकी को हम यहाँ से कट कर देंगे। हम स्लीव को भी फ्यूजिंग पे कट करेंगे और उसके बाद कपड़े पे अटैच करेंगे। फिर हमने अपने तमाम पार्ट्स को फ्यूजिंग पे कट कर लिया है। ये हमारे फ्रंट की डबल साइड है, ये हमारी बैक साइड है और ये हमारे स्लीव्स हैं। जब सबसे पहले हम बैक साइड को कपड़े की सतह पे चिपकाएंगे, तो ये हमने कपड़े को इस तरह से डबल करके रखा है, तो इस डबल तह के ऊपर हम इस तरह से इस्त्री से इसको चिपकाएंगे और फिर साइडों से हम इसको कट करेंगे। व्यूज़, अब हम तमाम साइड से 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इस डबल कपड़े को कट करेंगे। व्यूज़, अब हम इस पार्ट को यहाँ पे अटैच करेंगे और उसके बाद यहाँ से कपड़े को डबल करेंगे। व्यूअर्स, अब हम इसको इस तरह से कपड़े को पकड़ के इस तरह से टर्न करेंगे। इस तरह से यहाँ भी हम कपड़े की डबल तह को कट करेंगे। और यहाँ भी हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए तमाम साइड से कट करेंगे। व्यूअर्स, ये हमारी एक साइड कट हो गई है। इसी तरह से हम इस तरह दूसरी साइड को भी कपड़े पे चिपकाएंगे और डबल साइड को कट करेंगे। व्यूअर्स, अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। व्यूअर्स, अब हम इस कपड़े को भी डबल करेंगे। इस तरह से डबल करके यहाँ भी 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसको कट करेंगे। तरह से अब हम दूसरे स्लीव को भी अटैच करेंगे और डबल कपड़े को कट करेंगे। व्यूअर्स, हमने तमाम पार्ट्स के लिए लाइनिंग को डबल कट किया है, तो हमने एक पार्ट पे फ्यूजिंग को चिपकाया है और दूसरे पार्ट को हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे
तरह से इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पे किनारे किनारे पे इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे चारों तरफ।